तो फ्रेंड्स, पटेल मैदान मैं इसलिए आया क्योंकि 3 तारीख को माननीय श्री प्रधानमंत्री जी सहरसा पहुंच रहे अपनी सभा को संबोधित करने के लिए, और अभी चुनाव का माहौल भी है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए उनका कार्यक्रम 3 तारीख को रखा गया है, और कार्यक्रम की वजह से सहरसा पटेल मैदान आज कैसा दिख रहा है वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे, देख पाएंगे। पहले आप यहाँ का सीन देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँ। मैं पटेल मैदान सहरसा पहुंच गया, और यहां पे मैंने स्टाफ से बात की तो उन्होंने बोला कि 2 तारीख तक ये जो कार्य चल रहा है प्रगति पर है, और 2 तारीख तक काम संपन्न हो जाएगा। ये देखिए, मैं आ गया हूँ सहरसा पटेल मैदान के लास्ट स्टेज जो है वहाँ पर, और मैं आपको पूरा सीन दिखाता हूँ पटेल मैदान सहरसा का। और ये देखिए, पूरा साफ कर दिया गया है, पूरा जो देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय वाली जो सड़क है वहाँ पे। और ये देखिए, ट्रकें सब गाड़ी से आ रही है, जा रही है। और ये देखिए, बाहर से सहरसा पटेल मैदान आज की डेट में कैसा दिखाई दे रहा है। चलिए दूर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सामने में देखिए, ऊपर में जो लेबर मिस्त्री है वो चढ़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, वो देख लीजिए पूरा यहाँ से वहाँ तक। मैं बीच में आया, सो फ्रेंड्स देख लीजिए, सहरसा पटेल मैदान का सीन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आज की डेट की, और आज की डेट में, और 3 तारीख के बाद ऐसा दृश्य देखने को आपको शायद नहीं मिलेगा। पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरा बांस से, और साइड से रोड है, उस साइड केंद्रीय विद्यालय है।
ज़्यादा है तो इसीलिए मुझे चश्मा पहनना पड़ा। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ ये जो दूसरा और तीसरा है और पहला जो सेट्स है, एक सेट कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट होने वाला है, तीसरा भी कंप्लीट होने वाला है। आप देखिए इस सीन को। और इनसे मैंने, यहाँ के जो स्टाफ है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी सेट के सामने से ही मंच पूरा दिखाई देता है कि मंच पे कौन कौन व्यक्ति खड़े हैं इस टाइम। सो फ्रेंड्स, वहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से भाषण देंगे और हम सब यहीं से सुनेंगे। ये जो पूरा सेट्स देख रहे हैं, ये व्यवस्था हम सब के लिए की जा रही है, बस इसका एंजॉय कीजिएगा। क्या कह सकते हैं। और देखिए पूरा सीन, और ऊपर में अभी काम चल रहा है दूसरा और तीसरा का, वो देखिए। और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये देख लीजिए पूरा काम चल रहा है अभी। और ये अभी पूरा ही खाली है। और ये देख सकते हैं बीच में चलने के लिए, और इस साइड से भी लोग रहेंगे, इस साइड से भी लोग रहेंगे, और उस साइड से भी रहेंगे, वो भी बन ही रहा है हम सब के लिए, क्योंकि धूप बहुत ही कड़ा है और ये फैसिलिटी हम सबको मिलेगी। चलिए, इतनी चीज़ तो मिल जाए तो बेहतर है। और सामने में जस्ट मंच है, और मंच के पास जाते हैं, वहां से सीन दिखाते हैं आपको। ये देखिए दूसरे वाले में हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये देखिए सामने में मंच है, और यहीं से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देंगे और सभा को संबोधित करेंगे। श्री राकेश कुमार जी सहरसा के एसपी हैं, और डीएम श्री कौशल कुमार जी आए हुए हैं निरीक्षण करने के लिए मेरे ख्याल से। और ये आगे का फ्रंट है जहां मैं कल नहीं आ सकता, मतलब कि 3 तारीख को। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।